कभी स्कूल, कभी अस्पताल, कभी रोड, कभी बस। दरिंदों की नजरों में है बेटियों की असमत। और बदलापुर से भी एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक झकझोर देने वाली वारदात हुई है महाराष्ट्र के बदलापुर में, थाने में। दो नाबालिग बच्चियों से, छोटी छोटी बच्चियों से, जिनकी उम्र में है 3 से 4 साल की बच्चियां उम्र है, स्कूल के बाथरूम में बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न किया गया। सफाई कर्मचारी पर लगा यौन उत्पीड़न का आरोप और इस वजह से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। महाराष्ट्र बदलापुर स्टेशन पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, ट्रेन रोकी गई। बच्चियों की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, बेटियों की सुरक्षा को लेकर पूरे देश में चिंता जाहिर की जा रही है। ये तस्वीरें बदलापुर महाराष्ट्र की थाने की हैं, जहां पर प्रदर्शन किया गया। एक और बहुत ही जघन्य अपराध, सनसनीखेज वारदात, झकझोर देने वाली वारदात। अभी चर्चा कोलकाता के कांड पर हो रही थी कि किस तरह से एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत की गई, उसके बाद लगातार कई ऐसी बड़ी खबरें सामने आई हैं। आपको याद होगा देहरादून उत्तराखंड में बस के अंदर एक नाबालिग लड़की से रेप किया गया, गैंग रेप किया गया, और यहां बच्चियों के साथ, दो मासूम बच्चियों के साथ जिनकी उम्र 3 से 4 साल है, उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया और इस वजह से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग नाराज हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। इस मामले को लेकर सरकार भी अलर्ट पर है। बच्चियों से यौन शोषण के मामले पर महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर का बयान आया है। बच्चियों के यौन शोषण मामले पर शिक्षा मंत्री ने कहा, राज्य शिक्षा विभाग की पूरी मशीनरी सक्रिय है, हमने 4 IAS अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। स्कूल में CCTV काम नहीं कर रहे थे, हम इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर जाएंगे, आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम किया जाएगा। छात्रों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, छात्रों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, सरकार का यह कहना है। देखिए, जो भी इंसिडेंट अंबरनाथ में हुआ बहुत ही बुरा हो गया है। हमारी पूरी मशीनरी एक्टिवेट हो गई है। हमारे जो हमने इंस्ट्रक्शंस दिए थे, आज मेरे डिपार्टमेंट में 4 IAS ऑफिसर है, सब लोग पुणे से, मुंबई से सब लोग इकट्ठा है। हमारी पूरी जो मशीनरी है महाराष्ट्र की एजुकेशन डिपार्टमेंट की, वो पूरी ऑनलाइन थी। मैं आपके लिए बात करने इसलिए मैं यहाँ पे आ गया, लेकिन 8 महीना पहले मैंने मीटिंग ली थी कि बच्चे सुरक्षित रहे, इसीलिए हमने सखी सावित्री समिति का गठन किया है। वो अच्छी तरह से काम करे ताकि अपने बच्चे सुरक्षित रहे, इसके बारे में मेरे क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस थे। आज भी मैंने VC पे बोला है कि जिन्होंने ये समिति स्थापन नहीं की है उन पे कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उनका दोष नहीं है, इस इंसिडेंट में दोष नहीं है, लेकिन ये इंसिडेंट उनके जिले में हो जाता तो वो दोषी पाए जाते। दूसरी चीज यह है कि हमने CCTV कंपलसरी किया है हर स्कूल में। यहाँ पे ऐसे ये हुआ है कि ये CCTV बंद था, तो हमने ये भी हम लोग एक इंस्ट्रक्शन निकाल रहे हैं, GR निकाल रहे हैं कि CCTV सिर्फ बिठाने से काम नहीं चलेगा, उसको ठीक ढंग से उसकी मरम्मत करना ये भी स्कूल की जिम्मेदारी रहेगी। इसमें जो 4 टीचर्स थे, मतलब 2 टीचर है, एक हेडमास्टर है, एक क्लास टीचर है और 2 असिस्टेंट है जो बच्चों के देखती थी, क्योंकि वे प्री प्राइमरी के बच्चे थे, KG जूनियर KG वाले बच्चे थे, तो उनको भी सस्पेंड किया गया है और उस स्कूल को भी नोटिस दिया गया हुआ है। और एक ऐसे पाया गया था कि ये जो इंसिडेंस हुआ वो 13 से 16 तक हुआ था, और 18 तारीख को, इसके 13 से 16 तक हुआ था और 18 को जब कंप्लेंट दी गई तो 12 घंटे तक इसका कुछ कॉग्निजेंस नहीं लिया गया, इसलिए वहां की जो सीनियर PI है उनको ट्रांसफर किया गया है। आरोपी है जिसका नाम अक्षय है, ये अक्षय को पुलिस ने अरेस्ट किया है और उसपे जो कलम लगाए हुए है वो पोक्सा के जो कलम है उसमें 74 है, 75 है, 76 है। अगर इकट्ठा ये प्रूव हो जाता है तो इसको कुल मिला के 13.5 साल की सजा हो सकती है। इसके लिए हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस लेके जाएंगे, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर देंगे और कड़ी से कड़ी सजा उसको देंगे,
लेकिन उसको सजा देने से ये खत्म नहीं होता। हमने पूरी मशीनरी एक्टिवेट कर दी है, हमारी स्कूल एजुकेशन की पूरी मशीनरी एक्टिवेट हो गई है।